जासूस आनंदी और कोकीन स्मगलर। आनंदी अपने स्कूटी पर सवार होकर अभी अभी घर से निकली ही थी कि सामने कुछ ऐसा देख लिया कि वह बुरी तरह चौंक पड़ी, घबरा गई आनंदी। ओ पता नहीं क्या होगा, आनंदी बोली। भीड़ में से एक भागता हुआ आदमी सीधा आनंदी से आ टकरा। आनंदी चीख पड़ी। यह कैसी मूर्खता है, जान मुफ्त में है क्या, जो देने पर तुले बदतमीज, स्कूटी पर से ही आनंदी चिल्लाई। हुआ यूं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी, जिससे बचने के लिए वह भागता हुआ आनंदी की स्कूटी से आ टकराया। पकड़ो पकड़ो, वो भागने ना पाए, पुलिस चिल्ला रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना रानी बिटिया, मैंने देखा नहीं, सॉरी। वो आदमी बोला। तब तक पुलिस को मौका मिल गया और उसे दबोच लिया। कोतवाल साहब, आखिर मुझे किस जुर्म में पकड़ रहे हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो पुलिस के डर से भागता जा रहा हूँ, वो आदमी बोला। झूठे मक्कार, तुम अपने साथ कोकीन लेकर किसी को डिलीवरी करने जा रहे थे? हाँ, मैंने यहाँ नहीं पूछने वाला, हमारी सूचना यहाँ गलत नहीं हो सकती। बता कहाँ छुपा रहा है कोकीन? इंस्पेक्टर ने पिस्तौल ताने उस आदमी को पूछा। क्या क्या, मैं इतना सारी शरीफ आदमी और कोकीन? सर जी, मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, मगर भांग गांजा का इल्ज़ाम मत लगाओ साहब, प्लीज़, वो आदमी बोला। उस आदमी की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। उस पर आदमी बोला, मिल गया सुकून, मिल गई कोकीन, सही गलत निकल गई सूचना। कमाल है, कहाँ गई कोकीन? मेरे मुखबिर की सूचना गलत कैसे हो सकती है? पुलिस ने चेक करते हुए पूछा। इंस्पेक्टर सोचने लगा। इंस्पेक्टर खोपड़े की खोपड़ी काम नहीं कर रही थी। वो सोचने लगा, हो सकता है मान भी लूं कि यह निर्दोष है, तो फिर यह भागा क्यों था? पूछता है इससे, शायद कोई राज उगले। खोपड़ी की उलट कर दी थी खोपड़ी, तो इंस्पेक्टर ने क्या पता लगाया। अगले भाग में हम सुनेंगे आगे की कहानी।